हाउ डेयर ही, मैं उसकी बीवी हूं ना, वो मेरे साथ होने के बजाय उसके साथ वहां पे क्या कर रहा है? सबीना आंटी, आई कांट एक्सेप्ट दिस, आई एम टेलिंग यू। मुनीजे प्लीज गुस्सा मत करो। आप मुझसे कह रही हैं कि गुस्से में कंट्रोल रखो, वो जो सब कुछ आपने देखा उसके बावजूद? मैंने मायर को मना किया था उससे मिलने से, मगर वो वहां अपना रिश्ता उससे मजबूत करने में लगा हुआ है। मैं जितना उसको उससे दूर करना चाहती हूँ उतना उसके करीब जा रहा है, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी आप? स्ट्रेस मत लो मुनीजे, मैं खुद उससे बात करूंगी, आई प्रॉमिस। बात करने का वक्त अब निकल चुका है, अब मुझे फैसला चाहिए। उसे फैसला करना पड़ेगा कि वो हम दोनों में से किसके साथ रहना चाहता है, और जाहिर है उसका फैसला मैं तो हूंगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस कंडीशन में वो मेरे साथ होता, उसके साथ नहीं। तुम सही नहीं सोच रही हो, बैठ जाओ। गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है। गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम उसको अनाया के करीब कर सकता है। ठंडे दिल से सोचो, तुम उसकी बीवी हो और तुम जानती हो किन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, मगर इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक मजबूत कड़ी है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारा बच्चा, अपनी औलाद। जब फैमिली हो जाएगी तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तुम दोनों को छोड़कर नाया के पीछे जाए। देखो डॉक्टर ने क्या बोला था, स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे की उम्मीद रखो। अब टेस्ट करवाए हैं, रिजल्ट्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, आराम करो, प्लीज गुस्सा मत करो। स्ट्रेस इजंट गुड फॉर यू, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बात करूंगी उससे, ठीक है? जाओ जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, ट्रस्ट मी, मैं बात करूंगी उससे, come on my darling, okay? Don't get upset.